कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का समय खत्म हो चुका है। अब बारी है जनता के एक्शन की, अब बारी है मतदान की, अब बारी है अपने मन का लीडर चुनने की, अब बारी है कर्नाटक में नई इबारत लिखी जाने की। बीजेपी जीतती है तो भी नई इबारत लिखी जाएगी, और ऐसे माहौल में जब कहीं पर भी कांग्रेस अपने फेवर में माहौल नहीं बना पा रही है, ऐसे में कांग्रेस अगर जीतती है तो वो भी बधाई की पात्र तो निश्चित रूप से होगी। हालांकि जीतने पर भी कांग्रेस के लिए परेशानी बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के दो चेहरे तो आपस में ही भिड़े हुए हैं, सिद्धरमैया और जी शिव कुमार। इन दोनों को आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं, सीएम पद की दावेदारी को लेकर एक दूसरे से इनका मनमुटाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे माहौल में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी सीएम पद के लिए नाम सामने आ रहा था, इसी बीच में चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जोर का झटका धीरे से दे दिया है, नोटिस थमा दिया है। मतलब एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर पार्टी की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं, और फिर बाद में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस थमा कर एक तरह से पूरी कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य के संदर्भ में संप्रभुता शब्द का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए खड़गे को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए शपथ का उल्लंघन है। ईसीआई ने खड़गे को कर्नाटक राज्य के संदर्भ में संप्रभुता शब्द का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट को स्पष्ट करने और रेक्टिफाई करने को कहा है। कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ों को एक बड़ा संदेश भेजा। कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। वहीं कांग्रेस के इस ट्वीट पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक देश का महत्वपूर्ण राज्य है और भारत के संघ के एक सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी आह्वान अलगाव के लिए आह्वान है और खतरनाक और हानिकारक परिणामों से भरा है। इसके अलावा बीजेपी की शिकायत के मुताबिक उपरोक्त ट्वीट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a)(5) के तहत राजनीतिक दलों द्वारा ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है। क्या है लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a)(5)? दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a)(5) में कहा गया है कि संघ या निकाय चुनाव द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही इसी परेशान कर रहा है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौरा दोनों पार्टियों में बराबर का चल रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। अभी हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन को लेकर ईसीआई से शिकायत की। कांग्रेस की शिकायत पर फिर ईसीआई ने एक्शन लेते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को 9 मई तक का समय दिया। चुनाव आयोग ने बीजेपी को 9 मई 2023 तक विज्ञापन में किए गए दावों के फैक्ट भेजने का वक्त दिया है। 7 मई 2023 को ईसीआई ने एडवाइजरी जारी की थी। इसमें पार्टियों से कहा था कि विज्ञापनों में असत्यापित आरोप या दावे नहीं किए जाने चाहिए। आयोग ने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष को एक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए नोटिस दिया है। आयोग ने कहा है कि विज्ञापन में किए गए दावों की व्याख्या करें कि प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मतलब ईसीआई ने दिखा दिया है कि उसके लिए दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को नोटिस नहीं देगा और कांग्रेस को एक के बाद एक नोटिस थमाता जाएगा। ईसीआई ने जहां कांग्रेस को घेरा तो वहीं बीजेपी को भी नहीं बख्शा है। हां, सीएम पद की मंशा रख रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को जो नोटिस मिला है, इससे कांग्रेस की परेशानी जरूर बढ़ गई है। वैसे जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।